नमस्कार, क्रांति ओडिशा में आपका स्वागत है। अकबर अपने महल के प्राचीर पर भोजन करने के उपरांत घूम रहे थे। वर्षा ऋतु का मौसम था, जगह जगह दादर और पपीहे की आवाज गूंज रही थी। झिंगुर शहनाई बजा रहे थे, जुगनू दर्शक बनकर उसका आनंद ले रहे थे। दृश्य बड़ा ही मनमोहक था, वातावरण में दिव्य सुगंध महसूस हो रही थी। महल के किनारे से ही यमुना जी की प्रबल धारा बह रही थी। उसका शोर आज पहले से ज्यादा था। आज इस कल की ध्वनि महल में स्पष्ट रूप से सुनाई दे रही थी। अकबर को एकाएक महसूस हुआ जैसे नदी रो रही हो। अकबर ने तत्काल बीरबल से पूछा, क्या जो मैं सुन रहा हूँ वह तुम्हें सुनाई दे रहा है? मुझे लगता है नदी के रोने की आवाज है। बीरबल अपने जहांपनाह की बात को कैसे डाल सकता था? ऐसा दुस्साहस करना उसके अधिकार क्षेत्र में नहीं था। बीरबल ने जहांपनाह के हाँ में हाँ मिलाया और कहा, हाँ जहांपनाह, मैं भी नदी के रोने की आवाज सुन रहा हूँ। यह अपने पिता हिमालय के घर से, अपने पति समुद्र से मिलने जा रही है। सुखद अनुभूति के कारण नदी रास्ते में रोते जा रही है। अकबर पहले की भांति शब्दहीन हो गया। बीरबल के दिए हुए इस जवाब की गहराई में खो गया।